उज्जैन के नागझीरी थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के घर चोरों ने धावा बोला और 8 तोला सोना लेकर फरार हो गए। उज्जैन के नागझीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्श्वनाथ सिटी के हाउस नंबर 257 निवासी और इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ लोकेंद्र सिंह चौहान के घर पर 3 अक्टूबर की रात चोरों ने धावा बोला। चोर असिस्टेंट प्रोफेसर के घर से 8 तोला सोना और बच्चे की गुल्लक भी ले गए, जिसमें लगभग 8,000 रुपये थे। लोकेंद्र सिंह चौहान 2 अक्टूबर को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ राजस्थान में सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए निकले थे। उसी दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह चौहान है। मैं B258 का रहवासी हूँ। 257 का, और मैं 2 अक्टूबर को दोपहर के 1:30 बजे बाहर गया था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। और जब रात को 3 बजे मेरे घर में चोरी हुई है, रात को 3 बजे 5 लोग पीछे की दीवार से कूद के आए हैं फैक्ट्री की तरफ से, और उन्होंने घर का ताला तोड़ा और सारी ज्वेलरी और कैश निकाल के ले गए हैं। इस दौरान रात को 2:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो एक गार्ड आया था। उसके बाद किसी भी गार्ड की यहाँ पे कोई भी चौकीदारी नहीं हुई है, और मैं सुरक्षा निधि का पिछले जब से इस कॉलोनी में आया हूँ तब से सदस्य हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि सुरक्षा निधि को और कड़ा किया जाए, और जो लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य किया जाए कि वह भी सुरक्षा निधि दें, ताकि सबके घर की सुरक्षा हो सके। क्योंकि चोरी करने वाले ये नहीं देखेंगे कि कौन बिना सुरक्षा निधि वाला है और कौन सुरक्षा निधि वाला नहीं है, वो किसी के घर जा सकते हैं। 5 लोग आए थे, उनके साथ आप देखेंगे तो शायद हाथ में हथियार भी दिख रहे हैं, वो क्लियर विजन नहीं है पर ऐसा लग रहा है। तो ये एक गंभीर मामला है, ये हमारे बच्चों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है और हमारे घर के लिए भी। कृपया इस चीज़ पे गंभीरता से ध्यान दें और इस पे एक्शन लें। मेरा सभी कॉलोनी वासियों से ये निवेदन है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।